मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है ओके, इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो हम लोग प्रिसीजन रिकॉल इन सबकी मैं बात कर रहा हूँ कई दिनों से उन्हीं के ऊपर। तो पहले इन सबकी नीड क्या पड़ी और ज़रूरत क्या पड़ी, तो एक्यूरेसी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारी क्या थी कि नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। इसकी हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी, इसकी प्रॉब्लम थी कि अगर हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट है, तो हमारी अगर हमारा मॉडल कुछ ना करे, जो मेजॉरिटी क्लास है खाली उसी को प्रिडिक्ट करने लगे सारे पॉइंट्स को, कि जैसे सब के सब 99% डॉग्स हैं और 1% कैट है, और वो कोई भी अगर इमेज आ रही है उसको डॉग बोल रहा है, तब भी उसकी एक्यूरेसी 99% आ जाएगी। मतलब कि हमारा जो सिंपल और डम्ब मॉडल है, डम्ब मॉडल है, उसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इम्बैलेंस डेटा सेट पर हमारी एक्यूरेसी फेल हो जाती थी। तो और एक्यूरेसी के ऊपर ही, मतलब कि एक्यूरेसी हमें ये नहीं बताती थी कि हम किस डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। जैसे हमारे पास डॉग्स और कैट्स हैं, ठीक है, दो क्लासेस हैं मेरे पास। तो उसने मान लो कि 80% डॉग्स को सही बोला है और 50% कैट्स को सही बोला है, ठीक है, तो हमारी कुछ एक्यूरेसी आ जाएगी 80-50 हो गया 130, मतलब अराउंड 65%, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर उसने 50% डॉग्स को बोला है सही है और 80% कैट्स को बोला है, तब भी हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी 65%। तो हमारी एक्यूरेसी कभी ये नहीं बताएगी कि हम किस डायरेक्शन में सही या गलत जा रहे हैं। अगर हमारे पास ये डेटा होगा तो हम बता सकते हैं कि हम डॉग्स को तो सही से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट हम कैट्स को गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये वाला होगा तो हम कह सकते हैं कि हम कैट्स को सही से कर रहे हैं लेकिन डॉग्स को गलत से कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब कि एक 2D एरे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन से। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको खाली दो क्लासेस प्रिडिक्ट करनी है। तो हम लोग डॉग कैट ले सकते हैं, अभी हम लोग लिखते हैं 0 और 1, कि या तो आउटपुट 0 आना चाहिए या फिर आउटपुट 1 आना चाहिए। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं कि ये हम अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें हम 0, 1 और 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है। टॉप में जो है ये मेरी है एक्चुअल वैल्यूज, और जो यहां पर है ये मेरी है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 0 उसकी एक्चुअल भी थी, 0 उसका सही आउटपुट था और 0 मेरी एल्गोरिथम ने, मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट भी किया। यहां पर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो उसका मतलब होगा कि 1 उसका एक्चुअल था लेकिन 0 उसको प्रिडिक्ट किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मान लो मेरे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना y लिख लेता हूँ। y क्या है? देखो हैट नहीं लगी है तो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ पर 1, 1, 0, 0, 1, मतलब कि अगर आप इसको ये फीचर्स दे रहे हो तो उसका प्रिडिक्शन 1 आना चाहिए था। वाई हैट है मेरा, ये मेरे प्रिडिक्शन जो मेरी मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं। तो मान लो इसने कर दिए 1, 0, 0, 1, 1, ठीक है। तो इसको हम फिल कैसे करते हैं? इसमें हम काउंटिंग करते हैं कि 0 था 0 आया, तो 0 था 0 आया, ये मेरे पास कितने हैं? एक ही है, सिर्फ एक रो है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 था 0 आया, मतलब 1 एक्चुअल है और 0 प्रिडिक्टेड है। तो 1 एक्चुअल है और 0 प्रिडिक्टेड है, तो ये मेरे पास एक रो ये आ गई, और कोई रो ऐसी नहीं है जहां पर 1 था लेकिन 0 आया, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1। फिर 0 था लेकिन 1 आया, मतलब एक्चुअल 0 था, वैल्यू 1 है, मॉडल ने मेरी 1 थी, तो एक्चुअल 0 था, ये वैल्यू आई मेरे पास, तो ये आ गई 1, एक ही रो है, ठीक है।
फिर चौथा क्या है कि वन था और वन आया, वन था और वन आया, इसकी मेरे पास दो रोज हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वन इसमें यहाँ पर वन था, प्रिडिक्शन में वन आया, यहाँ पर वन था प्रिडिक्शन में आया, तो ये आ गया टू। तो ऐसे बनती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हम देख के बता सकते हैं कि हमारे कितने सही प्रिडिक्शन थे, कितने गलत प्रिडिक्शन थे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है, तो इसके ऊपर क्या लाई करेगा, हमेशा जीरो जीरो, ठीक है, या फिर वन कॉमा वन, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज थी वही वैल्यूज प्रिडिक्टेड भी हैं। डायगनल पर हमेशा जो एक्चुअल थी वही वैल्यूज प्रिडिक्टेड भी हैं, क्योंकि मान लो कि अगर मैं एक यहां बनाता हूं, ठीक है, तीन क्लासेस का भी हम लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा C1, C2, C3, C1, C2, C3। तो अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा क्या है, C1 एक्चुअल था, C1 प्रिडिक्टेड था, ये क्या होगा, C2 एक्चुअल है, C2 प्रिडिक्टेड है, और ये क्या है, C3 एक्चुअल है, C3 प्रिडिक्टेड है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम क्या चाहेंगे कि जो मेरी डायगनल है ये मैक्सिमम रहे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो हमारी जो वैल्यूज हमारी अलोंग द डायगनल रहे ये हाई वैल्यूज रहे, दे शुड बी हाई वैल्यूज, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रिडिक्शन था वो कहीं और गया है। करेक्ट प्रिडिक्शंस खाली डायगनल के अलोंग ही हैं। तो एक चीज हम लोग ये देखना चाहेंगे अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, तो हमने यहां पर वन वन तो आ गया लेकिन यहां का एक चला गया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमारे दो चले गए, दो जीरो थे तो एक ही पकड़ पाया, और एक वन वाला मेरा चला गया कि उसका वन आना चाहिए था लेकिन जीरो आया। तो बाकी सबसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बेकार काम कर रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जीरो जीरो वाला थोड़ा वन वन वाले से डाउन है, तो हमें जीरो में अपने मॉडल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, ओके, फिर सर वन जीरो वाले के लिए तो वो भी गलत है ना, उसे भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर आप इसको अलोंग इम्प्रूव करोगे कि जीरो को आप गलत क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये वाली दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाएंगी ना। ये दिक्कतें कहां से आ रही हैं कि वन था लेकिन आपने जीरो प्रिडिक्ट किया, और ये वाली कैसे आ रही कि जीरो था लेकिन आपने वन प्रिडिक्ट किया। जो दो गलतियां हमारी हुई हैं वो यही तो हुई है कि एक में वन था आपने जीरो प्रिडिक्ट किया, एक में जीरो था आपने वन प्रिडिक्ट किया। अगर आप अपनी इस डायगनल को इम्प्रूव कर लोगे, जैसे यहाँ पर जीरो जीरो वाली दिक्कत है, तो अगर आपने ये इम्प्रूव कर दिया तो आपकी ये वाली दिक्कत चली जाएगी, और जब आप इस वाले पॉइंट को ठीक कर लोगे तो ये वाली दिक्कत चली जाएगी। ये जो अराइव हो रही हैं, ये सब अराइव हमारी डायगनल में, क्योंकि मैच वैल्यू नहीं हो रही तभी तो हो रही हैं। आइडियली क्या होना चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, खाली डायगनल में वैल्यूज होनी चाहिए, बाकी सब जगह जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डायगनल को छोड़कर कहीं पर भी वैल्यूज हैं तो उसका मतलब ये है कि आप कहीं पर मिस क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो आपको बताना चाहिए था आपका मॉडल वो चीज़ नहीं बता रहा है। ओके, अब इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एक, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव। इसको आप ऐसे याद रख लो कि जो बाद वाली वैल्यू है, ठीक है, जो बाद वाली वैल्यू है ये हमेशा प्रिडिक्टेड है, मतलब कि आपकी एल्गोरिथम बता रही है, अच्छा पॉजिटिव को आप समझो वन और निगेटिव को समझो जीरो, ठीक है। तो जहां पर पॉजिटिव है वहां पर आपने वन प्रिडिक्ट किया है, जहां पर निगेटिव है वहां पर आपने जीरो प्रिडिक्ट किया है। और ट्रू और फॉल्स हम और देख लेते हैं। ट्रू का मतलब क्या होता है कि सही पॉजिटिव, मतलब कि ये सही है, ये सही है, आपने प्रिडिक्ट किया क्या है वन, तो ओरिजिनल क्या होना चाहिए था। अगर मैं लिखता हूं ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये प्रिडिक्टेड है और पॉजिटिव का मतलब है वन, तो मतलब कि ये सही प्रिडिक्टेड है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी।
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, सर पॉजिटिव है ना तो वन होना चाहिए। सब हाँ मतलब, वन मतलब कि टू ट्रू। हाँ मतलब कि वन था तो वन आया, ऐसे ही ट्रू निगेटिव है, ठीक है ट्रू वन निगेटिव जीरो नहीं, निगेटिव प्रिडिक्टेड है, तो इसने आपने प्रिडिक्ट क्या किया है जीरो, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अब ये ट्रू निगेटिव है मतलब जीरो कि निगेटिव सही में है तो जीरो होनी चाहिए थी, फॉल्स जीरो पॉजिटिव, ठीक है फॉल्स पॉजिटिव पर आते हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव में प्रिडिक्ट हमने जीरो क्या किया प्रेडिक्ट है, किया और वन आया, जीरो प्रेडिक्ट हाँ किया वन आया। जीरो प्रिडिक्ट किया हमने, सेकेंड वैल्यू प्रिडिक्टेड और होती है, तो हमने हाँ पॉजिटिव हाँ प्रिडिक्ट सर किया तो पॉजिटिव का मतलब है वन प्रिडिक्ट किया है, वन प्रोडक्ट किया हाँ, और था। फॉल्स है तो मतलब कि ओरिजिनल क्या था जीरो जीरो, और ऐसे ही फॉल्स निगेटिव मेरा हो जाएगा कि आपने जीरो प्रिडिक्ट किया है और फॉल्स था मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू थी वन, जी इस तरह ही से जो ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव होता है वो उसका मतलब यही होता है, ठीक है ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव कुछ अलग नहीं होता, और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही आता है, कैसे आता है आज आपको ऐसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने सिखाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है इधर क्या आएंगी ऊपर आएंगी एक्चुअल्स, नीचे क्या आएंगी प्रिडिक्टेड, 0 1 0 1, ठीक है सेकेंड वाला हमेशा प्रिडिक्टेड आएगा और ऊपर वाला हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, तो अगर एक्चुअल है 0 और प्रिडिक्टेड है 0 तो ये क्या बना, जीरो जीरो क्या बना मतलब नहीं, ट्रू या फॉल्स बताना है। फॉल्स ट्रू फॉल्स और पॉस्ट फॉल्स और ये पॉजिटिव और निगेटिव ये बताना है, ट्रू और फॉल्स और पॉजिटिव और अच्छा निगेटिव ये बताना है, तो सर पहले में फॉल्स आ जाएगा ना। सर फॉल्स नेगेटिव। वेरी गुड भाई, 0 था 0 बताया तो निगेटिव तो बताया, लेकिन फॉल्स का मतलब क्या है कि आपने गलत बताया, क्या यहां पर ये गलत बता रहा है, नहीं सर, तो ये क्या बता रहा है ये, सर ये मैं बताता हूँ एक मिनट सर, ये ना ये जीरो था तो जीरो बता दिया ना, तो इसका मतलब एक ट्रू सेकेंड नेगेटिव, हेलो, ट्रू नेगेटिव। सॉरी गौरव आप क्या कह रहे थे, नहीं सर मैं हो सकता गलत, मेरा ट्रू नहीं नहीं नेगेटिव आप मैं क्या सोच रहा था ट्रू ये। निगेटिव बोल रहे थे ना, तो सही तो है ट्रू निगेटिव, हाँ अच्छा क्यों, ठीक है। क्योंकि हाँ प्रिडिक्ट आपने क्या किया है, जीरो प्रिडिक्ट किया है और हाँ जीरो आ गया तो ट्रू हो गया, लेकिन वो और जीरो की वैल्यू नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लग जाएगा। नहीं, ये नेगेटिव है कि आपने प्रिडिक्ट क्या किया है, सेकंड वाला हमेशा रहता है प्रिडिक्ट क्या किया है, ठीक है तो और प्रेडिक्ट पहला जीरो है किया है ना। तो प्रिडिक्ट 0 किया तो निगेटिव सही है, अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअल 0 थी आपने प्रिडिक्ट भी 0 किया तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है सर, ट्रू है तो ये बन जाएगा ट्रू निगेटिव, क्यों प्रिडिक्ट आपने 0 किया मतलब निगेटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल क्या था ट्रू था मतलब कि एक्चुअल भी 0 था, जब दोनों सेम होंगे तब आपका ट्रू हो जाएगा, जब दोनों अलग होंगे तब आपका फॉल्स हो जाएगा, तो जब दोनों सेम है तब आपका ट्रू होगा, तो सेम हमारे कहां पर होंगे, खाली डायगनल पर होंगे राइट, क्योंकि 0 0 यहां मिल रहा है और 1 1 यहां मिल जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा कि वन था और 1 ही प्रिडिक्ट किया, तो दोनों सेम है तो ये ट्रू हो जाएंगे, अब यहां पर क्या आएगा उसके पॉजिटिव, बाद ट्रू ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं 1 को मतलब पॉजिटिव क्लास को, अच्छा बताओ यहां क्या आएगा, सर ये ऊपर ना 1 0 ना क्या 1 0 में समझा नहीं, सर, अभी आपने मतलब कहाँ रखा है, मतलब कर्सर अभी यहां किसका यहां पूछ, यहां रखा है, यहां रखा है
सेकंड वाले में, सेकंड रो ये वाला सर, अगर फॉल्स नेगेटिव देखो एक एक सर फॉल्स नेगेटिव अच्छा हाँ कोई भी बताए लोग गौरव चलिए आप भी बताइए आपका ऑप्शन लिख लेता हूँ फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव अभिषेक फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव ठीक है एक मिनट सर लेकिन अगर नीचे वाले में फॉल्स हाँ सर ठीक है फॉल्स नेगेटिव ठीक है तो देखो यहाँ पर आप प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो जीरो क्लास तो जीरो क्लास का मतलब क्या है नेगेटिव और ये दोनों डिफरेंट है तो ये हो जाएगा फॉल्स फाइनल ये बता दो फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव ठीक है आप कह रहे हो फॉल्स पॉजिटिव और कोई सर फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा सर सही है ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा क्यों प्रिडिक्ट आप कर रहे हो वन मतलब पॉजिटिव क्लास और ये वन और ये जीरो डिफरेंट है तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया तो अगर दोनों प्रिडिक्शंस और एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट है तो फॉल्स होगा प्रिडिक्शंस और एक्चुअल वैल्यू सेम है तो ट्रू होगा और बाकी सब आपका प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो पॉजिटिव क्लास कर रहे हो नेगेटिव कर रहे हो अच्छा एक चीज और देख लो क्योंकि ये वन है तो ये हो गई पॉजिटिव क्लास वाला कॉलम और ये है जीरो तो ये हो गया नेगेटिव क्लास वाला कॉलम ठीक है सर ये अच्छा ये बाद वाली वैल्यू इसका बता रहा है एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर वन थी तो ये पॉजिटिव क्लास हुई ना तो ये पॉजिटिव क्लास का कॉलम हो गया और ये एक्चुअल वैल्यू जीरो थी तो ये नेगेटिव क्लास हुई तो ये नेगेटिव क्लास का कॉलम हो गया ठीक है एक बार और फिर से करते हैं इसको क्योंकि इसे रटना नहीं है इसको जब भी जरूरत पड़े पेन पेपर निकालो हाथ से एक्चुअली बना लो तो ये हो गया जीरो वन जीरो वन अब बताओ यहां क्या आएगा इस वाले में सर ट्रू नेगेटिव सर ये सेकंड वाले में ये यहां जहां पर है ये हाँ सेकंड वाले फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव आपने प्रिडिक्ट किया है जीरो और वन डिफरेंट है तो फॉल्स हो गया ठीक है इसमें क्या आएगा पहले वाले में फर्स्ट वाले में सर फॉल्स पॉजिटिव सर ट्रू नेगेटिव एक ने बोला फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव और यहाँ पर ट्रू नेगेटिव नेगेटिव आएगा प्रिडिक्शन आप जीरो कर रहे हो प्रिडिक्शन आप जीरो कर रहे हो और दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पर बताओ फोर्थ वाले में लास्ट वाले में ट्रू पॉजिटिव हाँ कोई और कुछ करना चाह रहा है ट्रू पॉजिटिव नहीं सर ट्रू पॉजिटिव वन वन आ गया था हाँ तो ट्रू पॉजिटिव और ये वाला क्या बचा फॉल्स पॉजिटिव खुद से लिखना सब बन जाएगा कॉन्सेप्ट यही है दूसरा वाला प्रिडिक्टेड होगा प्रिडिक्टेड वैल्यूज और पहली वाली मतलब की सेम है कि डिफरेंट है सेम है तो ट्रू हो जाएगा डिफरेंट ऑफ फॉल और ये क्योंकि पॉजिटिव क्लास है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया ठीक है अब इसके बाद चार पांच फॉर्मूले आते हैं चार फॉर्मूले आते हैं बेसिक तो वो फॉर्मूले होते हैं पहला होता है ट्रू नेगेटिव रेट ठीक है तो जब भी कोई फॉर्मूला आए इस तरह का तो आपको क्या करना है जो पहले की दो वैल्यू है तो यहां पर क्या है ट्रू नेगेटिव है ट्रू नेगेटिव उठाओ उसको डिवाइड कर दो उस कॉलम से इसका कॉलम क्या है एन आएगा आपके पास फॉल्स नेगेटिव रेट ठीक है पहले की वैल्यू उठाओ क्या है फॉल्स नेगेटिव एफ एन अपॉन इसका कॉलम क्या है ठीक है ऐसे ही आपके पास आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव रेट ये क्या बन जाएगा एफ पी अपॉन एन
और चौथा आ जाएगा आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट, ये क्या हो जाएगा टीपी अपॉन पी। तो ये फॉर्मूला आपको, ये एनपी क्या है एक और दोबारा बताना, पॉजिटिव क्लासेस, पॉजिटिव क्लासेस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ, ये इनका सम है Fn प्लस टीपी, ठीक है Fn प्लस टीपी इक्वल टू पी, मतलब आपने इनको सम कर दिया है, या फिर आप इसको कह लो कि टोटल, ये क्या है एक्चुअल है, तो टोटल पॉजिटिव क्लासेस और टोटल नेगेटिव क्लासेस आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये टोटल नेगेटिव क्लासेस, टोटल पॉजिटिव क्लासेस, ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे, और यही फॉर्मूले हमारे थोड़े जो आगे काम आते हैं वो आते हैं काम प्रिसीजन और रिकॉल में। अच्छा पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा अभी, हमने जब ऊपर बात करी थी तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो डायगनल है डायगनल हाई रहे, कहा हमने डायगनल वैल्यूज मस्ट बी हाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रू निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव को हाई चाहते हो, ठीक है। अच्छा इनका मतलब क्या है, फॉल्स निगेटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है और ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसको आप कैंसर से समझो, ठीक है। कैंसर से ऐसे समझो कि मान लो कि जीरो है कैंसर नहीं है, ठीक है, और वन है कि कैंसर है, ठीक है। ये मेरे पास एक्चुअल्स हो गई। प्रिडिक्शंस मेरे पास क्या है, प्रिडिक्शंस मेरे पास आए जीरो का मतलब है कि कैंसर नहीं है, नहीं मतलब कि है ऐसा मॉडल बता रहा है, और वन का मतलब है कि कैंसर है, ये भी मॉडल बता रहा है, क्योंकि ये प्रिडिक्शंस है, ये एक्चुअल्स है कि मतलब कि शरीर में कैंसर है कि नहीं है, और ये है कि मॉडल एक टेस्ट के बाद मॉडल बता रहा है मेरा कि कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू निगेटिव रेट इनको हम हाई चाहते हैं। हाई क्या मतलब चाहते हैं, मान लीजिए कि मैंने कोई टेस्ट बनाया, मान लीजिए मैंने एक कैंसर का मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट बनाया है, अब मुझे उसको टेस्ट करना है कि वो टेस्ट कितना अच्छा है, क्या वो सही से बताता है कि नहीं बताता है। तो ये चीज तो हम जरूर चाहते हैं कि अगर आदमी में कैंसर है तो मेरा टेस्ट भी बताए कैंसर है, और अगर आदमी में कैंसर नहीं है तो मेरा टेस्ट बताए कि कैंसर नहीं है। तो अगर मतलब कि ट्रू निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव रेट शुड बी वेरी हाई, तभी तो हम कहेंगे ना कि टेस्ट अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, खाली वो बता रहा है कैंसर है तब फिर, और ये नहीं बता पा रहे अच्छे से कि कैंसर नहीं है, तो फिर वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रू निगेटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट हमेशा हाई रहे। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या था, फॉल्स पॉजिटिव था, सर एक बार और बता दो, ये ट्रू निगेटिव रेट ट्रू पॉजिटिव रेट से वेरी हाई का मतलब क्या है, मतलब सर ये एक्यूरेसी की बात है क्या, मतलब वेरी हाई इनएक्यूरेसी। आपके पास 100, ठीक है, मान लो आपके पास 100 रोज है, ठीक है, डेटा की, ओके, उसमें आपके पास 98 रोज हैं क्लास वन की, और 98 ना करो, 90 और 10 कर लेते हैं, ठीक है, 90 रोज हैं क्लास वन की और 10 रोज हैं क्लास जीरो की, ठीक है। मान लो कि जो मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो ऐसे बनी कि जीरो जीरो, सर मतलब 90 लोगों को कैंसर है और 10 लोगों को कैंसर नहीं है। हाँ आप ये मान लो, ये मेरे मॉडल ने, मतलब कि ये ओरिजिनल डेटा था, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा था और मेरा मॉडल अभी कुछ बताएगा, अब वो क्या बता रहा है, अब अगर वो बता रहा है कि उसने 80 लोगों में कैंसर था पहचान लिया, 10 लोगों में कैंसर नहीं था, इसमें उसने 7 लोगों को बता दिया कि कैंसर नहीं, ठीक है, नहीं था उसने बता दिया नहीं है, था उसने बता दिया है, ठीक है।
अब इसमें जो 80 में से कितने गए हैं बच्चे, 10, 10 में कैंसर था, 10 में कैंसर था लेकिन उसने बताया खाली 2 को, सॉरी यहां पर मैं कर लेता हूं 8 और यहां पर मैं कर लेता हूं 5, ठीक है। अब इसको देखो क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा फॉल्स निगेटिव, ठीक है। प्रेडिक्ट मैं क्या कर रहा हूं, निगेटिव कर रहा हूं और गलत कर रहा हूं। तो ये बता रहा है कि 8 लोगों को इसने बताया कि कैंसर नहीं है, अच्छा उसके पहले आप जो कह रहे थे कि हाई का क्या मतलब है, हाई का मतलब क्या है कि यहां पर मेरे पास 10 था तो उस रेशियो में यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए ट्रू निगेटिव की वो हाई होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास 10 वैल्यू थी तो एक एक बता दे वो, क्योंकि अगर कैंसर नहीं है और वो बता रहा है कि कैंसर है तो भी गलत कर रहा है ना, और यहां पर कैंसर है और उसे बताना भी चाहिए कैंसर है, क्योंकि अगर वो यहां पर नहीं बता रहा है 90 लोगों को कैंसर है और आपका टेस्ट 20 लोग को बता रहा है कैंसर है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल आपके पास 90 थे ठीक है जिनको कैंसर था, आपके टेस्ट ने बताया कि खाली 10 लोगों को कैंसर है, तो टेस्ट अच्छा है कि बेकार है, सब बेकार है, मतलब 1-0, 1-0 छोड़ो, ऐसे पूछ रहा हूं मैं तुमसे, 90 लोग को मतलब कैंसर था, आपके टेस्ट ने बताया कि 10 लोगों को कैंसर है तो क्या है वो, बेकार है ना टेस्ट, तो और 10 लोगों को कैंसर नहीं था और उसने बताया कि 5 लोगों को कैंसर नहीं है तब भी बेकार है, करेक्ट, भी बेकार है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यूज हैं डायगोनल वाली, इनके हाई का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू डेटा सेट उनकी वैल्यूज अच्छे खासे रेशियो में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपका मॉडल तो गड़बड़ है ना, आपका मॉडल गंदा है, कि जो जिसमें कैंसर नहीं था उसमें वो कैंसर है बता रहा है, जिसमें कैंसर था उसमें कैंसर नहीं है बता रहा है, तो ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, लोग ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव से चेक कर रहे हैं कि 90 लोगों में 1 था और उसने कितने लोग को 1 बताया और 10 लोगों में 0 था तो उसने कितने लोग को 0 बताया, यही तो है हमारा ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सही पॉजिटिव है और सही निगेटिव है वो ऊंचा रहे, मतलब कि उसकी रेशियो अगर आप कह लो ओरिजिनल डेटा सेट से तो वो हाई रहनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 90 लोगों को कैंसर है और आप बता रहे हैं कि खाली 10, आपका टेस्ट बता रहा है खाली 10 लोगों में कैंसर है, तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक मतलब ये प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी चाहिए कि अगर है तो बताए हाँ है और अगर नहीं है तो बताए कि हाँ नहीं है, तो इसीलिए ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू निगेटिव रेट हमारे हाई होने चाहिए, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि कैंसर नहीं था तो उसने बता दिया कि कैंसर है, ठीक है, मतलब क्या था कि कैंसर इज नॉट देयर बट टेस्ट इज टेलिंग कि देयर इज कैंसर, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव गलत पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैंसर है, फॉल्स मतलब गलत कि टेस्ट आपका बता रहा है कि है लेकिन असली में नहीं है, तो ये हम चल जाएगा अगर ये मेरा रेशियो कम है, मतलब कि जैसे आपके पास 90 थे तो 90 में इसने 80 को बताया कि कैंसर है और 10 को बताया कि कैंसर, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव रेट कि कैंसर नहीं था वाला केस हम देख रहे हैं, तो 10 थे मेरे पास तो 10 में इसने 7 को बताया कि कैंसर नहीं है और 3 को बताया कि कैंसर है, ठीक है कि कैंसर है, 3 को कैंसर है, तो ये हम कहेंगे हाँ ये ठीक है, मतलब हम जी लेंगे इसके साथ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक टेस्ट ने बताया कि कैंसर है और कल से आपकी दवाइयां चालू हो जाएंगी, आपकी कीमोथेरेपी चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, जब आपके पास एक टेस्ट से आता है फिर उसको हम लोग 3-4 बार मतलब कि चेक करते हैं कि सच में है कि नहीं है, बायोप्सी तक करते हैं कि उसकी सेल्स निकाल कर माइक्रोस्कोप में रखकर चेक करते हैं कि भाई असली में कैंसर है कि नहीं है टेस्ट के बताने से,
ठीक है। तो यहां पर इसने कहा कि तीन को कैंसर है, तो हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि इनके जो फ्यूचर टेस्ट होंगे, इनके जो फ्यूचर टेस्ट होंगे वो बता देंगे कि नहीं ये आपका फॉल्स पॉजिटिव था, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव था, इनको कैंसर नहीं है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि आप 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करोगे। अगर आपको यहीं पर पता चल गया कि कैंसर है और आप 2,000-3,000 एक्स्ट्रा खर्च करोगे, आप कहोगे ठीक है चलो आगे टेस्ट हुआ नहीं है, तो ये भी मेरी एक कैंसर टेस्टिंग मॉडल के लिए ठीक है। लेकिन फॉल्स नेगेटिव रेट मतलब कि कैंसर इज देयर बट टेस्ट सेड नो कैंसर, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि टेस्ट ने बता दिया कैंसर नहीं है, तो आप आगे कुछ टेस्ट कराओगे ही नहीं, और हो सकता है कि वो आपका बढ़ता चला जाए। तो ये मेडिकल डिवाइसेस में, मेडिकल चीजों में हम ये चीज कभी नहीं चाहेंगे, मतलब ये चीज हमारा बहुत ही लो होना चाहिए कि फॉल्स नेगेटिव रेट शुड बी वेरी लो फॉर मेडिकल टेस्ट्स। कि वो गलत ना बता दें, जैसे प्रेगनेंसी में हमारा एक जो किट आती है तो फिर वो क्या करती है कि उसमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव आता है, ठीक है, उसमें मतलब कि कम आता है फॉल्स पॉजिटिव, उसमें फॉल्स निगेटिव ज्यादा आता है। प्रेगनेंसी डिवाइसेस के लिए फॉल्स निगेटिव इज ठीक, क्योंकि अगर आपको ठीक है आपको 15 दिन में नहीं पता चल रहा है तो 1.5 महीने बाद पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो कैंसर वाले केस में हम फॉल्स निगेटिव रेट को बिल्कुल ही लो चाहते हैं, जहां पर लाइफ क्रिटिकल थिंग्स हैं, लाइफ क्रिटिकल थिंग, ठीक है। प्रेगनेंसी वाले केस में हम फॉल्स पॉजिटिव नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि फॉल्स पॉजिटिव रेट मेरा लो हो। फॉल्स नेगेटिव चल सकता है क्योंकि आप एक किट फेंक दोगे आप दूसरी किट यूज कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही सर कोरोना में तो फॉल्स नेगेटिव चाहेंगे ना अपन, नहीं कोरोना में आपके पास दो टेस्ट आए थे याद करो, एक आया था RT-PCR, ठीक है, और एक आया था अरे क्या था यार, एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो एंटीजन टेस्ट में क्या था, एंटीजन टेस्ट आपका फॉल्स नेगेटिव काफी हाई था, इसका फॉल्स नेगेटिव हाई था कि मतलब कि है तब भी वो सॉरी फॉल्स नेगेटिव कि नहीं है, नहीं ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अरे एक सेकेंड सर हैगा एक्चुअल में मगर उसने बताया गलत है। नहीं एंटीजन में देखो तो एक चीज थी, इसके आगे दो चीजें और आती है मेरे पास, एक आती है स्पेसिफिसिटी और एक आती है सेंसिटिविटी, ये इन्हीं फॉर्मूले से निकलती है। एंटीजन में क्या था कि निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं है, निगेटिव का मतलब यू मे हैव इट, ठीक है एंटीजन टेस्ट में, बट अगर एंटीजन में पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब था कि यू डेफिनेटली हैव इट, एंटीजन में क्या करते थे वो हल्की सी प्रिक मारते थे उंगली में और उससे स्ट्रिप में डालते थे और उसको एक सॉल्यूशन में डिवा देते थे, तो उसमें निगेटिव का मतलब ये था कि आपको हो सकता है बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव आ गया तो आपको पक्का है, ठीक है। RT-PCR आपका टाइम लेता था, 2 दिन का टाइम लेता था या 1 दिन का भी हो गया है, तो उसमें था कि अगर आपका पॉजिटिव निगेटिव आया तो वो दोनों मतलब कि स्टेबल है, या पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव है, निगेटिव है तो अभी आपको नहीं है। सर ये जो RT-PCR की आप बात कर रहे हैं ये वो ब्लड लेके वाला है, ब्लड नहीं स्वैब, स्वैब 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 ब्लड वाला एंटीजन था, स्वैब वाले में क्या करते थे एक वो क्यू ट्यूब जो आती है कान साफ करने वाली, तो उसी तरह की लंबी स्टिक होती थी, उसको आपके नाक में और गले के अंदर वो घुसेड़ के वहां से स्वैब लेते थे, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता था उसका सबसे ज्यादा आपका पोर्शन आपकी नाक में और आपके गले के निचले वाले हिस्से में रहता था, ठीक है। तो इसका एंटीजन वाले का फॉल्स निगेटिव रेट ये हाई था, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव होता नहीं था तब भी वो निगेटिव बता देता था, लेकिन
अब ये जो पॉजिटिव वाली चीज है कि यू डेफिनेटली हैव इट, ये आती है हमारी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ये हमने देख लिया कि हमें कैंसर वाले केस में फॉल्स नेगेटिव रेट शुड बी वेरी लो, प्रेगनेंसी वाले केस में फॉल्स पॉजिटिव रेट लो होगा, ठीक है। अभी कहीं पर मतलब कि प्रेगनेंसी वाले केस में तो चलो ठीक है, आपके पास किट क्योंकि इतनी सस्ती आती है आप कर सकते हो, जहां पर बायोमेट्रिक्स लगते हैं सर, हाँ जैसे ये जो सर ये ऊपर करना, आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना जरा ये या फिर ये नीचे, हाँ कोई भी, हाँ अब सर ये है ना, इसमें जैसे इसने इसको मतलब ये जो फोर्थ कॉलम है और फर्स्ट कॉलम का जो है मतलब फर्स्ट ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक जो है तो हाँ। इसमें तो चलो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि जो है उसने बता दिया है हाँ। ये जो मतलब अब हम जो काम करेंगे तो ये हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम पे ही करें, मतलब ये थर्ड ब्लॉक पे ही करेंगे, मतलब ऐसा है क्या? नहीं मतलब थर्ड सेकंड और थर्ड ब्लॉक है यहाँ पे बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन में ज्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। हम अब हमें पता चल जाएगा कि ठीक है देखो जैसे यहां पर मैं देख सकता हूं कि जीरो था, सात पांच बारह हो गया, ये गलत है नहीं, ठीक है